नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने दौड़ लगाई ताकि लोगों में सद्भावना और एकता का संदेश जाए। चोइतराम हॉस्पिटल से दौड़ शुरू हुई जो कि पिपलिया पाला चौराहा स्थित राजीव प्रतिमा पर समाप्त हुई। इसके बाद कांग्रेसियों ने राजीव प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। इस दौरान इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल देपालपुर, विधायक विशाल पटेल और विधानसभा एक के संजय शुक्ला सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे इस भारत देश के युवा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के 74 जन्म दिवस पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ माल्यार्पण किया गया, जिसमें हमारे विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी भी उपस्थित थे। आज हम सब कांग्रेसजन ने राजीव गांधी जी का सपना जो 21वीं सदी ले जाने का था उसको पूरा करने का संकल्प लिया। आज ये मोबाइल इंटरनेट आज हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। युवा लोगों का उन्होंने की सोच थी, उन्होंने युवा लोगों के लिए जो 21 वर्ष की उम्र में मतदान कर सकते थे उसके लिए 18 वर्ष किया। युवाओं को रोजगार देने का उनका संकल्प था, उन्होंने अनेक विकास की योजनाएं चालू करी। उन्होंने महिलाओं के लिए सोच थी उनकी, उन्होंने महिला को आरक्षण दिया नगरीय निकाय में और पंचायती राज में 33% का आरक्षण दिया। ये हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी की सोच थी कि युवा लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और ये देश की प्रगति हो, उसका आज हमने संकल्प लिया। और आने वाले उपचुनाव जो 27 उपचुनाव होने, हम कांग्रेस जन ने संकल्प लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी सरकार जिसने षड्यंत्र कर 25 गद्दारों के साथ मिलकर सरकार गिराई, पुनः वापस से कांग्रेस सरकार बनेगी इस मध्य प्रदेश में। पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर राजीव गांधी जी को सपना है, जो राजीव गांधी जी का सपना था वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे राजीव गांधी जी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे देश के जो सबसे युवा थे और उन युवाओं की सोच को आगे बढ़ाया और जो युवा चाहते थे 21वीं सदी में पहुंचे तो उसका साकार सपना आज उसी लगातार होता जा रहा है। आप देखिए आज इंटरनेट हो या मोबाइल फ़ोन हो या इंटरनेट गांव पूछाना, उन्हें जवाबदारी टेलीफोन हो, हर बच्चे के हाथ मोबाइल हो, पूरी दुनिया के अंदर टच कहाँ क्या हो रहा है 5 मिनट मालूम पड़ता। उसके अलावा 30% आरक्षण महिलाओं को चुनाव के अंदर और हमारे जैसे युवाओं को 18 साल के बाद मतदान की व्यवस्था कराना, उसके अलावा महिलाओं को आरक्षण 33% कराना और देश के अंदर जो राम मंदिर का मुद्दा है वो सबसे पहले आदरणीय राजीव गांधी ने खुलवाने की व्यवस्था करी थी। उसके तत्कालीन जो गृहमंत्री जी थे उनको उन्होंने वहाँ भेजा अयोध्या में कि आप जाइए और मंदिर ताले खुलवाइए और आज वो सपना भी पूरा हुआ। तो वो सपना होगा राम मंदिर बन रहा, तो मैं सभी देशवासी इंदौरवासी और प्रदेशवासी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ में जितने हमारे युवाओं से चाहता हूँ कि जो राजीव गांधी सोच थी उस सोच को अपन आगे बढ़ाएं और 21वीं सदी में आगे बढ़कर हम देश की तरक्की बढ़ाएं और देश का काम करें। और हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है उस हत्या को बदला लेंगे, वो 27 चुनाव सीट जीतेंगे और उसके अलावा हम प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनाएंगे, क्योंकि जो कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजीव गांधी के साथ बचपन से लेके लगातार प्रधानमंत्री रहे या पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जब तक उन्होंने साथ में काम किया तो उनका अनुभव उनको भी है। तो हम चाहते हैं वापस उनकी सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी और लोकतंत्र की जो हत्या हुई उसका हम बदला लेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान को आज से नहीं कई सालों पहले हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास और शुरुआत जो करी थी इस हिंदुस्तान को वो राजीव गांधी जी ने करी थी, वो संचार के माध्यम से हो, पंचायतों के माध्यम से हो, महिला वर्ग को हो या कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जो शुरुआत उन्होंने करी थी, आज संपूर्ण कांग्रेस परिवार का फर्ज बनता है। हम सब उनके प्रति आस्था रखते हैं और हम सब मिलकर आज हम सब ने उनके चरणों में नमन किया है उनकी जयंती के ऊपर और सब ने संकल्प भी लिया है साथ में। यहाँ वृक्षारोपण तो हमने किया ही किया है लेकिन संकल्प भी लिया है कि आते हुए समय में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक हत्या हुई है उन सबको आते हुए समय में निश्चित तौर पर उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की फिर से मध्य प्रदेश की में सरकार कांग्रेस ही बनेगी।